नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि मूली के पराठे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको कद्दूकस करेंगे। कद्दूकस कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने इसका छिलका उतारना ऊपर से और उसको फिर कद्दूकस करना है। तो आप क्या देख सकते हैं ये कद्दूकस कैसे करते हैं। कद्दूकस ये जो होता है ऐसे करते हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज आप सीख रहे हैं हम मूली के पराठे कैसे बनाते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अब हम पहले कद्दूकस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसमें मसाला डालेंगे। तो बना दूंगी अच्छा। जब हम मूली को कद्दूकस कर लेते हैं तो उसको हम पीटते हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसे आपने इसको पीटना है और इसका जो पानी पूरा निकालना है। इसके बाद हम इसमें मसाला डालेंगे। मसाला भी अपने टेस्ट के हिसाब से डालना होता है। और उसके बाद कैसे इसको बनाएंगे आज आप इस विधि में सीख सकते हैं। मेरी माता जी बना रही हैं और आपको पता ही है माता जी जब बनाती हैं तो किसका खाने को दिल नहीं करता है। और ये मेरी फेवरेट है मूली के पराठे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना और कमेंट भी करना कि वीडियो कैसा लगा है। अच्छी तरह से करना है। अब इसके बाद इसको हम इसमें मसाला डालेंगे। तो अगर अजवाइन है तो आप इसमें अजवाइन डालें, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो ये मैं बताना भूल गया था, आपने अजवाइन भी इसमें डालनी है। और इसके बाद हम इसमें अब पराठे बनाएंगे इसके। और पूरी विधि कैसे बनाते हैं वो मैंने बता दी है, अब इसको कैसे बनाना है आगे वो भी मैं बताऊंगा। तब तक आप वेट करें। तो दोस्तों अब ये आटा है और अब हम बना रहे हैं देसी घी के मूली के पराठे। तो हमने गैस को जला लिया है और साथ में तवा रख दिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसकी बनाने की विधि है, कैसे बनाएंगे आप देखेंगे। तो अब इसमें हम मूली का जो हमने बनाया था, पहले क्या बोल रहा था पाउंड हम पेड़ा बनाएंगे और उसके बाद हम इसको इसको ये जो मूली का वो हमने बनाया है। ये आप देख सकते हैं, अब मूली का हमने जो बनाया है इसका उसको भी हम डालेंगे। सबसे पहले तो हम ऐसे करेंगे इसको। और इसमें देसी घी लगाएंगे, उसके बाद हम इससे चम्मच से इसमें मूली का वो डालेंगे जो हमने बनाया था। इसको अब इकट्ठा करेंगे चारों तरफ से। और इसको अब इकट्ठा करके इसमें फिर आटे में डालेंगे, क्योंकि जो गीला ना रह जाए, गीला रहेगा तो ये चिपक जाएगा। सो इसके साथ ये देखो ऐसा करना है। इसके बाद आपने ऐसे करना है। आटे में इसलिए डालते हैं क्योंकि ये जो गीलापन है उसका बिल्कुल खत्म हो जाता है। उसके बाद आपने बेलन से करना है, धीरे धीरे करना है। जब लगता है कुछ निकल रहा है बाहर तो आप इस फिर इसको आटे में लगा सकते हैं, जिससे इसका गीलापन सूख जाए। आप पलट कर भी कर सकते हैं। दोस्तों अपने घर का जो पराठा होता है बहुत ही अच्छा और टेस्टी होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और बाहर जो चीज़ आपको मिलती है वो वैसी होती नहीं। इसके बाद हम इसको ऐसे करेंगे और इसको फिर हम इसके ऊपर डाल देंगे तवे के ऊपर। तो वह हमारा गर्म हो गया।
अब क्या करना है, हमने तवे पर ये गर्म हो जाएगा तो हमने इसके बाद इसको घी लगाना है देसी, और फिर हमारा परांठा बनकर तैयार हो जाएगा। एक बार फिर से आप देख लो कैसे बनाया जाता है। उधर भी परांठे को देखते रहना है कि परांठा आपका जल ना जाए। परांठा भी थोड़ा कच्चा है इसलिए उठ नहीं रहा, थोड़ा जब पक जाए तभी उठाना है और आराम से। थोड़ा वेट करें ऐसे। अब इसके बाद ऊपर हमने देसी घी लगाना है। हमारी माता जी बड़े प्यार से बना रही हैं, और अब इसके ऊपर हमने फिर से घी लगाना है पलट कर। फिर से अपने वैसे पेड़ा बनाना है, पेड़े में ये डालना है। आप देख सकते हैं जो इसकी डालने की विधि है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। चारों तरफ से इकट्ठा करना है और इसको ऐसे करना है जिससे फिर ऐसे करना है। और फिर सूखे आटे में डालना है और फिर ऐसे बेलन से इसको गोल करना है। ज़्यादा जोर नहीं लगाना नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। और दोस्तों आपने क्या करना है, जब भी आप तवे के ऊपर डालते हैं तो ध्यान रहे कि तवे के ऊपर जो परांठा है वो परांठा बिल्कुल थोड़ा पकना चाहिए तभी आपने उठाना है। अगर आप आधा कच्चा उठाएंगे तो वो चिपक जाता है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे मेरा चिपक गया था तो इसलिए थोड़ा आप ध्यान से देखें। तो दोस्तों माँ के हाथ का खाना जो होता है बहुत स्वाद होता है, टेस्टी होता है, ये किसी किसी के नसीब में होता है। तो इस वीडियो के लिए ज़रूर हमारी माँ के लिए कमेंट करें और अपने भी बचपन के दिन याद करें कि कैसे परांठा खाया जाता था और कैसे माँ अपने हाथों से खाना बनाती थी। तो दोस्तों हमारा जो परांठा है वो बनकर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं अब ये खाने के लायक हो गया है। तो दोस्तों इसी के साथ ही जय हिंद जय भारत।